वक्त हम हैं मीरा महल रेस्टोरेंट में, जो हाल ही में आपके शहर मंडी सौलीखट पेट्रोल पंप के बिल्कुल नज़दीक जो है वो ओपन हुआ है। तो हम आपको बता दें कि ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है और बहुत ही शानदार यहाँ पे फूड जो है बनाया जाता है और तरह तरह की वैरायटी आपको फूड की यहाँ पे मिल जाएगी। और साथ ही अगर आप महिलाएं हैं, किट्टी पार्टी का शौक रखती हैं, तो यहाँ पर जो स्पेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप किट्टी पार्टी जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। इसके अलावा फैमिली रेस्टोरेंट है, आप पूरी फैमिली के साथ यहाँ आ सकते हैं, लंच डिनर ब्रेकफास्ट जो भी इंजॉय करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं और आपको कोई बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी हो या ऑर्गेनाइज़ करनी हो, तो यहाँ पर वो भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। मंडी शहर को रिच कल्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति, पहनावे और पकवान के चलते मंडी शहर की अपनी ही अलग पहचान है। अच्छे पहनावे के साथ साथ यहाँ के लोगों को टेस्टी फूड का भी काफी शौक होता है, इसलिए मंडी वासियों को यह जानकर काफी खुशी होगी कि अब आपके अपने मंडी शहर में खुल गया है प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। मीरा महल एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां आपको मिलेगा बिल्कुल प्योर वेज और हेल्दी फूड। साथ ही बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी के लिए भी आप मीरा महल को चुन सकते हैं। तो इस वक्त हम हैं मीरा महल जो रेस्टोरेंट है उसके किचन में हैं और काफ़ी ज़्यादा साफ सफाई का विशेष ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। जैसा कि हम एंटर हुए तो हमने देखा कि बहुत ही अच्छा जो यहाँ पर साफ सफाई है और बहुत ही क्लीन वे में जो है किचन को रखा गया है। और अभी हमारे साथ हैं यहाँ के हेड शेफ संजय जी और उनसे हम जानेंगे कि वो क्या आज बनाने जा रहे हैं और क्या मीर महल की जो खासियत है वो क्या है और क्या स्पेशल खाना यहाँ पे बनता है। आपको अपनी फैमिली के साथ आना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। किटी पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है यहाँ पे, तो वहाँ पे स्नैक्स जो है वो भी बहुत अच्छे बनाए जाते हैं। तो हम जानेंगे संजय जी से, सर क्या खास है मीरा महल में, क्या खास स्पेशल डिश कौन सी? मटर मेथी मलाई। और बाकी मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जैसे स्नैक्स वगैरह रहते हैं, किटी पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, तो वो भी आप हर तरह के स्नैक्स बनाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। और आप कितनी समय से जो हैं वो इस लाइन में जुड़े हैं, कितने समय से टेस्टी टेस्टी खाना लोगों को परोसते आ रहे हैं? 5 साल से। और उसके अलावा जो स्पेशल डिश है, इसके अलावा और क्या क्या फूड यहाँ पे मिलता है? सर आप सभी लोग चीज़ लो, कढ़ाई पनीर है, दाल मखनी है, पनीर बटर मसाला हो गया। प्योर वेज खाना है? प्योर वेज बन। और जो क्वालिटी होती है वो कैसी रहती है खाने की? क्वालिटी तो ठीक है सर। ये जो हमने रेस्टोरेंट प्लान किया है मंडी में, एक बहुत ही सोच समझ के और काफ़ी लंबे समय तक सोचने के बाद निर्णय लिया है। उसमें अपने मंडी के लोग जो है खाना, अच्छा खाना खाना बहुत पसंद करते हैं और ख़ासकर वेजिटेरियन खाना, तो उसके लिए हमने अपना कॉन्सेप्ट भी प्योर वेज के ऊपर ही रखा है। मंडी के लोगों को बिल्कुल प्योर खाना और एक अच्छी हेल्दी हाइजेनिक कुकिंग मिले, तो हम इसमें ऑयल भी अपना राइस ब्रांड ऑयल यूज़ कर रहे हैं खाने के लिए, जो कि उसकी क्वालिटी को और बढ़ा देता है और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि रेस्टोरेंट का ओनर होने के नाते मैं अपने रेस्टोरेंट की जो फूड क्वालिटी है और जो सर्विस है उसको मेंटेन करने की कोशिश करूँगा और बेटर से बेटर करने की कोशिश करूँगा। और बाकी सभी मंडी के लोगों से मेरा निवेदन है कि एक बार हमारे यहाँ आके ज़रूर हमारा भोजन टेस्ट करें और अपने व्यूज़ दें। अगर कोई हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत होगी तो हम उस हिसाब से फिर उनके व्यूज़ के हिसाब से इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। मीरा महल रेस्टोरेंट में आपको दाल मखनी, मशरूम टिक्का, पालक पनीर, शाही पनीर और कई तरह की स्वादिष्ट डिशेस का आप आनंद उठा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि मीरा महल में राइस ब्रैन ऑयल यानी चावल की भूसी से तैयार किया गया तेल प्रयोग किया जाता है। यह चावल के छिलकों से निकाला गया तेल होता है और इसमें फैट नहीं होता, साथ ही यह स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। राइस ब्रैन ऑयल में अन्य तेल की अपेक्षा अधिक संतुलित फैटी एसिड कंपोजिशन पाया जाता है, तो मीरा महल में आपके टेस्ट के साथ साथ आपकी हेल्थ का भी काफी
ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो खाना था वो काफ़ी अच्छा था और हमने भी टेस्ट किया और काफ़ी अच्छी हमें क्वालिटी वाइज भी अच्छा लगा और टेस्ट वाइज भी बहुत ही टेस्टी था। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि मंडी शहर के कुछ गणमान्य लोग जो हैं वो भी मौजूद रहे इस अवसर पर और उन्होंने भी क्या कहा इनके खाने के ऊपर, आइए आपको बताते हैं और उनसे बातचीत करवाते हैं कि किस तरह का फूड जो है मीरा महल में मिलता है और क्या उनको कहना है फूड के बारे में। स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगी, आज मुझे इस रेस्टोरेंट में कुछ फूड ग्रहण करने का मौका मिला, तो सच कहूँ तो मुझे आज ये जो गजरेला है जैसे ऐसा लगा कि जो महिलाएं घर में बनाती हैं बिल्कुल प्रिपरेशन वैसी हुई थी और चिली सीज था, स्पाइसी नहीं था और बहुत ही बढ़िया। तो मैं सभी से अपील करना चाहूँगी, अपनी बहनों से, कि वो किट्टी पार्टी जो है वो इस रेस्टोरेंट में शुरू करें, क्योंकि मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है आज का जो मैंने ग्रहण किया वो मुझे ऐसा लगा कि पूरा घर की तरह खाना जो है यहाँ पर बना हुआ है। दोबारा आना चाहूँगी मैं, बिल्कुल आना चाहूँगी मैं, अपने सारे काउंसलर को भी विद फैमिली यहाँ लाना चाहूँगी। इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मंडी शहर में एक वेज रेस्टोरेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वैसे तो एक रेस्टोरेंट जो है विस्को, वो उसके अलावा ये जो रेस्टोरेंट है ये दूसरे नंबर पे, ये जो रेस्टोरेंट खुला है वेज, और मंडी में कोई भी प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं है। तो इस वेज रेस्टोरेंट की एक तो खासियत है कि मंडी के बिल्कुल नज़दीक है, जस्ट सौलीघाट में पड़ता है, और मंडी में बहुत से लोग हैं जो वेज पसंद करते हैं और आप सभी इस वेज रेस्टोरेंट में आएँ और इसका आनंद लें। ये रेस्टोरेंट जो है वो मेरे फ्रेंड हैं दिनेश जी, बिलासपुर से हैं, इन्होंने खोला है, और कभी भी आप आएँ तो यहाँ पे वेज रेस्टोरेंट का, वेज खाने का आनंद लें। और किट्टी वगैरह जो होती है मंडी में, बहुत से लोग किट्टी करते हैं या बर्थडे पार्टी है तो उसमें भी आप यहाँ आकर अपना वेज खाने का आनंद ले सकते हैं। मंडी वैसे तो जैसे खाने वाले जो हैं मंडी के बहुत शौकीन हैं, डिफरेंट टाइप के यहाँ रेस्टोरेंट हैं, लेकिन एक कमी खलती है मंडी में कि वेजिटेरियन खाने वाले जो हैं, जो शौकीन है वेजिटेरियन भोजन के, उनके लिए ज़्यादा ऑप्शंस मंडी में नहीं थी। लेकिन आज यह जो मीरा महल यहाँ सौलीखट में आज रेस्टोरेंट जो खुला है, मेरा विश्वास है कि जो मंडी के खाने के शौकीन हैं खासकर वेजिटेरियन भोजन के, उनके लिए जो है यह एक बहुत ही बढ़िया एक नया जो है एक ठिकाना हो गया। और हमने अभी यहाँ के भोजन का आनंद लिया और भोजन की जो क्वालिटी और जो भोजन का जो हमने स्वाद देखा, वो आज तक तो मैंने मंडी में कहीं ऐसा भोजन खाया नहीं है। पूरी फैमिली के साथ यहाँ डिनर पे आएंगे हम लोग और आनंद लेंगे यहाँ के जो डिफरेंट टाइप्स के जो यहाँ के फूड हैं, और खुशी की बात है मंडी के लिए। तो प्योर वेज फूड के लिए मीरा महल में आपका हमेशा स्वागत है, साथ ही बर्थडे पार्टी या किटी पार्टी के लिए भी आप मीरा महल पधार सकते हैं। मीरा महल रेस्टोरेंट नियर पेट्रोल पंप सौलीखट मंडी। तो भाई दोस्तों आज हम आपको लेकर आए थे मीरा महल रेस्टोरेंट में, जो हाल ही में आपके शहर मंडी में जो है ओपन हुआ है। और जैसा कि हमने कितनी बार आपको बता दिया कि ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है और साथ ही किटी पार्टी हो चाहे बर्थडे पार्टी हो, सब के लिए जो है यहाँ पर बहुत अच्छा स्पेस है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा जगह है, यहाँ पर आप यहाँ पर सेलिब्रेट कर सकते हैं। और वैसे भी मंडी शहर के जो लोग हैं, मंडी के जितने एरिया है वहाँ के जितने भी लोग हैं, वो हर चीज़ में आगे रहते हैं, चाहे बात फैशन की हो या तरह तरह के फूड ट्राई करने की, टेस्ट ट्राई करने की। और
काम के मामले में भी बहुत आगे रहते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ज़रूर आप एक बार अपनी फैमिली के साथ आएँ, यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ आएँ और यहाँ का जो फूड है वो एक बार ज़रूर टेस्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।